हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट करेंगे आज। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जनरल सी टर्म है, सबको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब होता है। डे टू डे हम डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डेली रूटीन में प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब एज इन बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, जो भी हमारे रोज के काम होते हैं, जैसे कहीं पहुँचना है, वहाँ पर कोई काम है, कोई सॉल्व करना है, कुछ करना है, तो वो डेली प्रॉब्लम्स ही हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स व्हेन अ गोल मस्ट बी रीच बाय थिंकिंग एंड बिहेविंग इन सर्टेन वे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, जब हमें कोई गोल रीच करना है सोच के और उस तरीके से बिहेव करके। सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हाउ टू कट अ रेसिपी इन हाफ, या कोई कोई कुछ बनाना है, या सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। अब ये करते कैसे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले तो ट्रायल एंड एरर एक तरीका है, मैकेनिकल सॉल्यूशन है, जिसमें हम बहुत बारी ट्राई करते हैं, फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। स्टार्टिंग में बहुत बारी गलतियां होती हैं, फिर धीरे धीरे हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है ट्राई करते करते। जैसे आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आप 2-3 बार डाल के ट्राई करते हो, फिर उसके बाद एक बार कभी वो चीज़ आपको जो 2-3 माइंड में होते हैं कि ये हो सकता है, और फाइनली जो एक होता है वो याद आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है, जिसमें हमने रोट लर्निंग की होती है। रोट लर्निंग मतलब कुछ हमने ऐसे स्टेप्स याद किए होते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, तो जिसको हम बार बार ट्राई करके देखते हैं। इसी में एक तरीका होता है एल्गोरिथम होता है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लगा के चलते हैं। मैथ में जैसे एल्गोरिथम होता है, वैसे ही रियल लाइफ में भी एल्गोरिथम होता है। हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते हम उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सीधा जंप नहीं कर रहे हैं शॉर्टकट में। तो जब हम कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के करते हैं तो वो एल्गोरिथम है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जब लाइब्रेरियंस ऑर्गेनाइज करके बुक लगाते हैं अपनी बुक शेल्फ पे, तो वो एक एल्गोरिथम है। ऐसे ही हम पजल सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन हर चीज़ में एल्गोरिथम यूज़ करना, रियल लाइफ में हर चीज़ में प्रैक्टिकली चलना बहुत मुश्किल है कि आप स्टेप बाय स्टेप करो। सपोज़ यहाँ पे कोई अपनी पिन भूल जाए फ़ोन की, और वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है कॉम्बिनेशन, 0 से लेकर 9 तक सारे कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, 0 1 2 3, फिर 1 1 2 3, ऐसे करते करते हर चीज़ लगा के देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पिन एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी बार। दूसरी बात ये है कि अगर एक्चुअली में वो कर भी रहा है एक्सेप्ट, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे पॉसिबिलिटी लगाने में सालों लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम में हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप की जो प्रोसीजर है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो हम रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन में हम ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स होता है शॉर्टकट्स का यूज़ करना। शॉर्टकट मतलब एज इन एजुकेटेड गेस लगाते हैं बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं, गेस वर्क करते हैं कि ये हो सकता है, तो ये गेस लगाते हैं हम, क्योंकि हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप रियल में नहीं कर सकते। इतना टाइम नहीं कि हम डे टू डे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पहले ए फिर बी फिर सी करके देखें। तो हम इसमें ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हैं, जो कि एक फास्टर मेथड है, पर इसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट है, ये हम गैस लगा रहे हैं, और जहाँ गैस लगाते हैं वहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉग्निट ऊपर जो एल्गोरिथम था उससे ये फास्ट है, लेकिन एल्गोरिथम में सॉल्यूशन करेक्ट मिलता है, ह्यूरिस्टिक में सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है। सो इसमें आगे चलते हैं, एक इन्होंने टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक्स बताए हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे मिलती जुलती चीज़ आपने पहले देखी हुई है, आप उसके बेस में नई चीज़ को भी उसी कैटेगरी में डाल के वही सॉल्यूशन निकालने, वही सॉल्यूशन यूज़ करने की कोशिश करते हो जो आपने पहले किया था। तो कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स सिंपली अज्यूम एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट शेयर करेक्टरिस्टिक विद द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट कैटेगरी। सो दिस इज अ हैंडी टूल व्हेन कम्स टू क्लासिफाइंग प्लांट्स बट डज नॉट। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हमें प्लांट्स को क्लासीफाई करना है,
तो हम उसको पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे क्लासिफाई कर देते हैं कि उससे मिलता जुलता दिख रहा है तो ये उस कैटेगरी में आएगा, लेकिन एक्चुअली में हम ये लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि हर डार्क स्किन वाले को आप अफ्रीकन नहीं बोल सकते, हर ब्लू वाइल्ड ब्लॉन्ड को आप स्वीडन नहीं बोल सकते। तो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक हर चीज़ में नहीं काम आ सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पे हमें जो चीज़ पहले हमें एक्सपीरियंस हो चुका है जिस चीज़ के साथ, उससे मिलती जुलती चीज़ दिखती है, तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पहले वाली चीज़ को किया था। तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई आपको, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक जो होते हैं दे कैन बी यूज और मिसयूज टू क्रिएट अ सस्टेन स्टीरियोटाइप। मतलब स्टीरियोटाइप्स को फॉर्म करने में ये थोड़ा सा मिसयूज हो सकता है। स्टीरियोटाइप कैसे, जैसे सपोज आप बोल दो कि भाई इस कैटेगरी के लोग इसी तरीके के होते हैं, तो वो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, बट एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं समझने के लिए कह रही हूँ। सपोज एक स्टीरियोटाइप है कि जो वो होते हैं बंगालीज होते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं। तो अब क्या है, अब आप जब नेक्स्ट ये आपके माइंड में ये स्टीरियोटाइप, अगर आपने कहीं से सुना आपके माइंड में ये स्टीरियोटाइप बैठ गया, तो आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी और ऐसे बंगाली फ्रेंड को मिलोगे तो आप उसको रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक यूज़ करके आप उसको सोचोगे कि ये भी एक स्टीरियो वो एक ये भी डरपोक ही होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कई बार स्टीरियोटाइपिंग करने में मिसयूज किए जाते हैं, किसी को स्टीरियोटाइप करने में। और स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम किसी के बारे में एक ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं जो हम सुन के करते हैं, जिसके पीछे एक्चुअली में कोई ट्रुथ नहीं होता है, ये खाली एक किसी के साथ एक गलत एक्सपीरियंस की वजह से वो सबको उसी कैटेगरी में डाल देता है। और जब आगे वो बातें आगे जाती है दूसरे लोगों के पास तो वो परमानेंटली फिक्स हो जाती है, तो उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो होता है स्टीरियोटाइप। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये स्टीरियोटाइप बनाने में थोड़ा सा मिसयूज किए जाते हैं, तो हम फिर उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं उस चीज़ को, दूसरों को भी उस तरीके से देखते हैं। आगे चलते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमें लगता है सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वही हमारा सॉल्यूशन है, वही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे कि पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन हाउ इजी इट इज़ टू रिकॉल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मेमोरी और हाउ इजी इट इज़ फॉर अस टू थिंक रिलेटेड एग्जांपल। अब यहाँ जो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है एक्चुअली में ये वर्स्की और कैनमैन ने ये कि लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। कोई बुक उनको दी थी पढ़ने के लिए, बुक या कोई एक आर्टिकल दिया था, उनसे पूछा था बताओ इसमें कौन से वर्ड ज़्यादा हैं, जो के से शुरू होते हैं वो वाले वर्ड ज़्यादा है या जिनके मिडल में थर्ड लेटर के आता है वो वाले वर्ड ज़्यादा है। क्योंकि उनको बीच में के आने वाले वर्ड याद नहीं आ रहे थे और दूसरे वर्ड ज़्यादा याद आ रहे थे जो के से शुरू होते हैं, जैसे काइट याद आ रहा था, उसमें उन्होंने पढ़ा था काइट लिखा हुआ था या किचन लिखा हुआ था, जो चीज़ उनको याद आ रही थी उनको लगा वही सॉल्यूशन है, तो उन्होंने बोला कि के से शुरू होने वाले वर्ड ज़्यादा है, जबकि आंसर दूसरा था कि जिनके बीच में के लिखा हुआ आता है वो वर्ड ज़्यादा थे। तो ऐसे ही हम कई बार ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आ रही है या हमको याद करनी ज़्यादा ईजी है वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर एक यहाँ पे दिया हुआ है, यूजफुल ह्यूरिस्टिक दैट डज वर्क मच ऑफ द टाइम इज़ टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। एक ह्यूरिस्टिक है जो आप काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि अपने गोल से बैकवर्ड जाओ। गोल से बैकवर्ड मतलब आपने जैसे अपने घर से कहीं जाना है, आपको उसका रास्ता नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है, तो आप उस रास्ते से बैकवर्ड आके देखो अपने घर तक। इफ़ यू वांट टू नो द शॉर्टेस्ट वे टू गेट टू द न्यू कॉफ़ी शॉप इन टाउन, यू ऑलरेडी नो द गोल, आपको गोल पता है आपने कहाँ जाना है, ठीक है। देर आर प्रोबेबली सेवरल वेज टू गेट देयर फ्रॉम योर हाउस, सम आर शॉर्टर देन द अदर्स। एज्यूमिंग दैट यू हैव द एड्रेस of the store, for many the best way to determine shortest route is to look up the location of the store on the internet. तो आजकल तो इसमें लिखा हुआ है कि हम जैसे इंटरनेट
यूज करते हैं उसमें शॉर्टेस्ट रूट ऑलरेडी जीपीएस में दिखाई देता है, पर जब वो फिजिकली, जब इंटरनेट नहीं है आपके पास, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, आप फिजिकली कोई चीज़ करना चाहते हो तो आप मैप को लेके बैठोगे और उसके बाद उसमें आप शॉर्टेस्ट रूट बैकवर्ड उस मैप को देखते हुए, उस कॉफ़ी शॉप से बैकवर्ड देखते हुए आओगे अपने घर का शॉर्टेस्ट रूट क्या है। तो ये भी एक तरीका होता है, ह्यूरिस्टिक तरीका है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि बैकवर्ड चल के देख लो। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाने के लिए ये मेथड यूज़ करो, आप कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं हो रही है, तो आप उसको बैकवर्ड सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज बेटर टू ब्रेक द गोल डाउन इंटू सब गोल्स। कई बार ये कह रहे हैं कि ये भी ठीक होता है कि आप अपने गोल है ना, जो बड़ा हुआ गोल है, जो बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो, छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल होती है, इजी लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं हो पाएगी, लेकिन जब आप उनको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो ये सारे टेक्निक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही हैं। एक और है, एक ह्यूरिस्टिक और है, मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब, अ पर्सन डिटरमिन्स द डिफरेंस बिटवीन करंट सिचुएशन एंड द गोल एंड देन ट्राइज टू रिड्यूस दैट डिफरेंस बाय वेरियस मीन्स। तो पहले ये देखो कि आपकी करंट सिचुएशन आपके गोल से कितना दूर है, और उसके बाद तरीके निकालो कि वो दूरी कैसे कम हो सकती है, आप अपने गोल के पास कैसे जल्दी जा सकते हो, तो वो कैसे वो कम हो सकता है वो डिस्टेंस, तो उसको बोलेंगे मीन्स एंड एनालिसिस। आगे है, नेक्स्ट तरीका है ह्यूरिस्टिक के बाद, तीसरा जो मेथड है वो है इनसाइट। और इनसाइट के बारे में हम अपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने चिंपांजी सुल्तान के बारे में पढ़ा था, जिसने जिसमें जिस जिस पे कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट लर्निंग का। तो इनसाइट लर्निंग क्या होती है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सीम्स टू कम सडनली टू द माइंड। जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सडनली हमारे माइंड में आ जाता है तो उसको हम इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है, इसकी समरी भी देख लेते हैं आप। जो हमने अभी तक पढ़ा है, मेंटल इमेजरी क्या होती है, मेंटल इमेजेस होती है जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे माइंड में चीज़ों की, मेंटल इमेजेस हम लोग इंटरेक्ट करते हैं मेंटल इमेजेस के साथ, जैसे एक्चुअली में हम फिजिकल इमेज के साथ कर रहे हैं, जैसे स्कैन करना मैप को, रोटेट करना चीज़ों को। मेंटल मैप जो होते हैं वो ब्रेन में प्रोसेस होते हैं, और सीइंग में, सीइंग एज अपोज टू सीइंग एक्चुअल इमेज, एक्चुअल इमेज जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ और प्रोसेस होते हैं, मेंटल मैप में कुछ और प्रोसेस होते हैं। तो जब हम देख रहे होते हैं आँखों से, तो आई से विजुअल कॉर्टेक्स पे जाती है इन्फॉर्मेशन, फिर अदर कॉर्टिकल एरियाज में जाती है, और जब हम मेंटल मैप बना रहे होते हैं तो हमारे कॉर्टिकल एरिया से इन्फॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है, क्योंकि इसमें आईज का कोई रोल नहीं होता। फिर कॉन्सेप्ट की बात की थी, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो किसी क्लास और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आर यूज टू इंटरैक्ट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट हो गया जो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, सुपरऑर्डिनेट जनरल होता है, बेसिक लेवल स्पेसिफिक होता है, और सबऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। कैन बी वेल डिफाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, जो स्ट्रिक्ट रूल से हम लोग बनाते हैं कोई कॉन्सेप्ट उसको फॉर्मल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और जो थोड़े से फ्लेक्सिबल रूल से बनता है उसको नेचुरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। प्रोटोटाइप क्या होते हैं, जो किसी भी एक कॉन्सेप्ट को बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोटोटाइप होते हैं, जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और कल्चर के बेस पे बनते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती हैं। फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थिंकिंग होती है एंड बिहेविंग इन अ सर्टेन वे टू रीच अ गोल। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे ट्रायल एंड एरर है, एल्गोरिथम है, ह्यूरिस्टिक है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी, फिर इनसाइट लर्निंग है जो सडनली जब हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये छोटा सा एक क्विज़ है जिसको मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले ये क्विज़ भी डिस्कस कर लेती हूँ। मेंटल इमेजेस क्या हैं, रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हैव अ पिक्चर लाइक क्वालिटी,
कंसिस्ट एंटायरली ऑफ अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज प्रोटोटाइप्स। तो इसमें क्या आएगा आंसर मेंटल इमेजेस का? तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो वो लग रही है रिलेटेबल आंसर लग रहा है वो लग रहा है हैव अ पिक्चर लाइक क्वालिटी, क्योंकि यही अभी तक हम ऊपर बात कर रहे थे कि जैसे हम एक्चुअली में कोई चीज़ देख रहे हैं तो मेंटल इमेजेस भी वैसी होती हैं। नेक्स्ट है नोइंग दैट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो ये कह रहा है कि हम सबको पता है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि वो एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। तो ये किस में आएगा? प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट में आएगा, नेचुरल में आएगा, फॉर्मल में आएगा, मेंटल इमेज में आएगा? मेंटल इमेज में नहीं आएगा, प्रोटोटाइप में भी नहीं आएगा, नेचुरल, क्योंकि ये साइंस की डेफिनेशन की बात हो रही है। तो हमें पढ़ा था मैथ्स और साइंस फॉर्मल कॉन्सेप्ट में आते हैं। सेकेंड थर्ड है अ रूल ऑफ थंब इज अनदर नेम ऑफ। तो कौन सी वाली टेक्निक है जिसको हम रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं? वो है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी वुड बी बेस्ट टू यूज व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अलजेब्रा क्लास। तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है प्रॉब्लम सॉल्व का? एल्गोरिथम। मिगेल वॉज स्ट्रगलिंग विद आंसर टू वन ऑफ द क्वेश्चन ऑन हिज साइकोलॉजी मिड टर्म। Seeing that the answer was not going to come easily, he went on to answer some of the other easier questions. Then suddenly the answer to the question just seemed to pop into his head. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि मिगेल को एक आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बहुत देर से उसको आंसर नहीं मिला, तो उसने उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसको सडनली उसका आंसर याद आ गया जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था। तो ये कौन सी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो गई? इनसाइट लर्निंग वाली। यहाँ पे ये वीडियो अभी ख़त्म करते हैं, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।